हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ लवर में। दोस्तों, बाल जो होते हैं वो सबके लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आजकल लोग जो होते हैं अपने बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने के लिए बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स में जाते हैं, स्मूदनिंग कराते हैं। तो उससे कुछ दिनों तक तो आपके जो बाल है वो बहुत सॉफ्ट और शाइनी दिखते हैं। सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके बाल बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन प्रोडक्ट्स के अंदर के जो केमिकल यूज़ हुए थे वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूखे, सूखे और एकदम बेजान से दिखने लगते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे आपके बाल ना सिर्फ सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे बल्कि उनका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा। ये आपके बालों को नेचुरली इतना सॉफ्ट कर देगी कि आपको बाहर से कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें यूज़ करनी है वो है 1 स्पून वैसलीन। जी हाँ दोस्तों, वैसलीन जो होती है बालों को सॉफ्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही अगर आपको स्प्लिट एंड्स की, यानी कि दो मुहे बालों की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ हमें इस्तेमाल करनी है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर लगभग हम 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी और आखिरी चीज़ जो हमें इस्तेमाल करनी है जो कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो है एलोवेरा जेल। हमें लगभग 2 स्पून एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। एलोवेरा जेल दोस्तों बालों से रूखापन दूर करता है और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। ये आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बना देगा, साथ ही आपके बालों को हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा रूखी हो गई है तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इस सॉल्यूशन को अच्छे से बालों में लगाकर मसाज करनी है। आप लगभग 2 से 3 घंटे इसको बालों में लगा रहने दीजिए। सुबह किसी भी हर्बल शैम्पू की हेल्प से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दोस्तों एक ही बार में, जी हाँ सिर्फ एक ही बार में, आपको इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा कि आप खुद ही हमें कमेंट करके इसके फीडबैक शेयर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।